कटरा निकलने के बाद स्टेशन के ठीक बाहर ही ये कैंप लगे होंगे आपके लिए, तो यहाँ के अपने लिए आपका सिम बंद हो जाता है, सिम इनकमिंग आउटकमिंग अगर आप कश्मीर से बाहर की सिम है तो बंद हो जाती है, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। 300 रुपये की सिम है यहाँ पे, 1 GB पर डे प्लान का मिल रहा है वोडाफोन जियो वालों की, तो वहाँ से सिम भी खरीद सकते हैं। उसके लिए आईडी कार्ड लगेगा आपका, एक आधार कार्ड लेके आइएगा ज़रूर साथ में। तो अगर आपको सिम की बहुत नीड है या पोस्टपेड सिम अगर आपके पास है वो भी आप चला सकते हैं। 250, 200, 150 वाली हर तरह की सिम यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ से आप सिम खरीद सकते हैं। लोग स्टेशन से बाहर आएंगे और स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा बस स्टैंड के पास, वहाँ मेन गेट पर जाना पड़ेगा माता वैष्णो देवी के, और वहाँ से आपको टोकन मिलेगा, पर्ची मिलेगी, वो लेने के बाद ही आप चढ़ाई कर सकते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके 2 तरीके हैं, आप टेम्पो ले सकते अभी हैं। अभी हमें वैष्णो देवी बस स्टैंड, माता वैष्णो देवी बस स्टैंड जो कि आप देख रहे हैं, और कटरा से जैसे आप बाहर निकलेंगे, कटरा से बाहर निकलने के बाद या तो आप टेम्पो से आ सकते हैं, क्योंकि पर्ची जो मिलती है वो आपको बस स्टैंड के पास ही मिलेगी। अगर बाई ट्रेन आते हो, अगर आप बस से आते हो तो बस आपको यहीं छोड़ेगी। तो बाहर आप पैदल भी आ सकते हैं, 4 से 5 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, या फिर आप टेम्पो से आएंगे तो आपसे 150 रुपये लेगा यहाँ बस स्टैंड छोड़ने का। तो सबसे पहले हम लोग पर्ची लेंगे और आप देख जिस जगह पर्ची मिलती है, और ऊपर देखिए वो सारा रूट है माता वैष्णो देवी का। तो आगे तो सबसे पहले हम लोग पर्ची के लिए लाइन में लगते हैं, लाइन में हम लोग चल रहे हैं। ये पर्ची का रूट है, बस स्टैंड के अंदर ही पर्ची मिलती है, कोई पैसे नहीं लगते, कोई चार्जेस नहीं है उसके। तो गाइस हमने पर्ची ले ली है, और ये पर्ची आपको मैंने बताया था बस स्टैंड से मिली है। अजय कैसा, ज्यादा टाइम नहीं लगा हमको, मुश्किल से आधे घंटे पर्ची मिल गई थी, ऑनलाइन बुकिंग अभी बंद है, तो आप बस स्टैंड आइए, बस स्टैंड से आप रेलिंग में लगिए और आधे घंटे के अंदर पर्ची मिल जाएगी। आधार कार्ड दिए, फोटो चाहिए, तो अभी हम लोग चलते हैं। कहाँ जाना है हम लोगों को, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, गजब बेइज्जती है। जाने से पहले हम लोग न्यूट्रे, कौन सा न्यूट्रे कुल्चे खाएंगे, न्यूट्रे कुल्चे आए आशीष भाई बना के दे रहे हैं, मुझे लग रहा है इन्होंने अभी ये धंधा चालू कर देना चाहिए। आप और ये ऐसी डिश है जो कि सिर्फ आपको जम्मू में ही मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ ये मेरी गारंटी है आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं पता नहीं कितने स्टेट में घूम चुका हूँ। तो क्यूटे छोले कुलचे खाने के बाद अभी हम निकल चुके हैं बाढ़ गंगा की तरफ, मेन गेट पर जाएंगे, उसके बाद बाढ़ गंगा पे जाएंगे, और वहाँ से आप 1 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पैदल भी जा सकते हैं या टेम्पो के यूज भी कर सकते हैं। बाढ़ गंगा पे जाए माता वैष्णो देवी की मेन मार्केट, कटरा मार्केट बोल सकते हैं इसे। काशी भाई इसके बारे में कुछ देखो, वहाँ पे उसी भी ऊपर, ये ऊपर आप चढ़ाई देख रहे हो, सबसे ऊपर जाना है हमको, हम लोग काफी 4-5 घंटे बाद होंगे वहीं पर। अजय भाई कैसा लग रहा है? मैं यहाँ पे आ रहा हूँ करीब 4-5 साल बाद, लास्ट टाइम आया था 2017 में। अरे वाह, और हम पहली बार, मेरा भी पहली बार है, काफी मजा आ रहा है। ऊपर सब है ऐसा सब, ये रेडियो, इसमें रेडियो चिप है, अगर आपको कुछ होता है तो वो रेडियो एक्टिवेट करके आपको जी पे रजिस्टर करा के आपको पता लगा सकते हैं। हाँ सिक्के आ गए, माता वैष्णो देवी जहाँ से यात्रा शुरू होती है, तो आप जैसे देख रहे हैं ये पीछे फैशन पॉइंट,
तो यहाँ सबसे पहले क्या चेकिंग होगी क्या? यहाँ पे सबसे पहले चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका समन चेक होगा और ये जो आपने आई कार्ड बनाया है बिना इसके आपकी एंट्री यहाँ पे होगी नहीं, अलाउ ही नहीं एंट्री। चलिए सबसे पहले चेकिंग कराते हैं अपनी। ये है पीने का पानी, देखिए ड्रिंकिंग वाटर सीधे पहाड़ों से आ रहा है। अरे पानी बोतल बदल लेना, ऐसी दिल्ली में लगवा दो अरे केजरीवाल जी से। चलो माता ने बुलाया है। यात्रा प्रारंभ हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ मस्ती आ रही है, कुछ जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो ये ट्रैक जो है वो थोड़ा ऊंचा सा है और 15 से 16 किलोमीटर अभी यहाँ से हमें 13.5 किलोमीटर चलना है माता के भवन तक। माता के भवन 13.5 किलोमीटर है, उसके बाद हमें जाना है भैरव बाबा के यहाँ पे 1.5 किलोमीटर। ओके 15 किलोमीटर है आसपास, 15 किलोमीटर टोटल 30 किलो यात्रा है और शाम हम लोग वापस भी आएंगे। और साथ में अगर आपको बुजुर्ग आते हैं तो आप घोड़ा गाड़ी ले सकते हैं, पिट्ठू बच्चा है तो आप वो पहिया वाला ले सकते हैं, 500-700 रुपये में आ जाता है। और पालकी भी है, सुविधा की सारी सुविधा अवेलेबल है यहाँ पे। आओ दोस्त, भैया कैसा लग रहा है आप यहाँ आए तो? कहाँ से आए आप? यूपी में। कहाँ से? मुसाफिरखाना से। योगी जी के यहाँ के हैं ये? अमेठी। अखिलेश भैया तो आप अखिलेश के सपोर्ट में है, किसके सपोर्ट में? अरे वाह, अब भगवा पहने हुए आप, अरे सांप्रदायिक हो गया। कट 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 कट। और जल्दी हम नीचे पहुंच रहे हैं, ये वही गंगा जी है जो हनुमान माता रानी ने जी के लिए पानी की व्यवस्था की थी, वो गंगा आज तक बह रही है, हम लोग यहाँ नहाएंगे। आइए इसमें खूब सारी मस्तियां करेंगे। हेलो गाइस, तो अभी हम अर्ध गंगा जी में नहा रहे थे जैसा कि आप देख रहे थे, तो नहा धो के अभी हम तैयार हैं, देख रहे होंगे हमारा नया लुक। और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग दूसरा चढ़ाई, काफ़ी ज़बरदस्त है ऊपर, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो बारिश हो गई थी तो हम लोग काफ़ी देर वेट करना पड़ा। जैसा कि मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ, काफ़ी देर आप लोग देख रहे होंगे रेनकोट पीले पीले पहन के जा रहे हैं। पावन है सबसे ऊंचा है साचा है ये दरबार, कलयुग में भी होते हैं जहाँ रोज चमत्कार। क्या हो रहा है रंजन? नाम चल रे चल वैष्णोधाम चल रे ले, अरे वाह देख रहे हैं चल रे चल वैष्णोधाम चल रे। सुंदर से माँ के धाम की महिमा कमाल, हमारे देश के नौजवान 4 किलोमीटर चलते थक रहे हैं, देख रहे हैं सबसे विशाल है कैमरे के सामने तो बड़ा जुड़ जाता के शीश पे माता का सिंहासन। पादुका मंदिर माता रानी का आने वाला है, जो माता रानी के पहले चरण पड़े थे कुछ ही दूरी पे। हम बादल देते हैं माता को सलामी, पहराते हनुमान भैरो करते निगरानी, दर्शन की सबके भाग में घड़ियां नहीं आते चरण पादुका मंदिर में मिलता जिन। अभी आपने माता वैष्णो देवी का चरण प्रथम चरण पादुका थी, जब भैरवनाथ जी पहले पीछे पड़े थे तो वो यहाँ रुक के सबसे पहले उन्हें देखी थी, और पहले चरण उनके यहीं पड़े थे, वो मंदिर है वहाँ चरण दर्शन कर सकते हैं हम लोग।
तो और बाकी आप यहाँ का नज़ारा देख, ये देखिए कितना खड़ी मोड़ है। और एक बढ़िया लोकेशन दिखाते हैं आपको, ये सेल्फी जबरदस्त, देखिए क्या सीन लग रहा है। सूरज की पहल किरण गाइस, अभी हम सीढ़ियों वाले रास्ते जाएंगे, इसे शॉर्टकट रास्ता कहते हैं। देख रहे कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां, दूरियां तेरी क्या सोच रहा नहीं चल यार, पैसा है जरूरी, पैसे ने बना रखी है माँ बेटे में दूरी। अगर आपको ये तो मसाज वाली बहुत सारी मशीनें हैं यहाँ पे, 30 रुपए 15 मिनट की मसाज भी कराई जाती है, फुल बॉडी मसाज है। और मैं आपको यहाँ का नजारा लग रहा है, ये देखिए है असली जिंदगी का मोहर। अगर आप अभी तक वैष्णो देवी नहीं आए जरूर आइएगा। ये इसका सीधा रास्ता है, जय माता दी, जय माता दी। बड़ा मुश्किल है यार चीकू चढ़ना, ऊपर से वीडियो बनाना। यहाँ से 4 मील आगे जाओगे, दर्शन जो माँ का दूजा है उसको पाओगे, दुर्गा की एक भक्त जिसका नाम था देवा, करती थी सच्चे मन से सदा मैया की। और इस पे डिस्क्लेमर भी लगा देर होगी, और जो उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो उपयोग ना करें। दर्शन उसे देने को एक दिन आई थी माई, तब से ये जगह बन गई भक्तों देवा माई, रास्ता बताऊं सबको तेरा वैष्णो रानी, हो जाए कोई भूल क्षमा करना भवानी। माता की जय जयकार होती कटरा धाम पे, होती यहाँ सुबह है जय माता के नाम से। कितनी लगी ठोकर जाता है माँ के द्वार से, वो 100 सीढ़ियां भी पार नहीं करी। तुम यात्रा से देख रहे पूर्व यहाँ पर चिकटाना, बड़ी बुरा जयकारा माँ का बोल के फिर यात्रा करना। आए पर्ची जो कटाई है इसे ध्यान से रखना, ऊपर भी जांच होगी इसे कोई नहीं देना। हमारी तीसरी बार सीढ़ियां हैं, बच्चे है छोटे, 271 सीढ़ियां हैं, जा सके चल कर। पहले हमारी 260 थी, फिर 561, 526, 271 का है अगला। खच्चर पे भी न बैठ, मैं इंद्रप्र भोजनालय में भोजन किया, कभी आप आइएगा तो इंद्र पर भोजन जरूर करिएगा, राजमा चावल बहुत टेस्टी है। उसके बाद आपको 2 रास्ते मिलेंगे, हेमकुंड माता वैष्णो देवी जाने के लिए, और दूसरा रास्ता अर्धकुंवारी के लिए। अगर उस अर्धकुंवारी वाले टेम्पल होते हुए जाएंगे तो 6.5 किलोमीटर पड़ेगा, और हेमकुंड तो 5.5 किलोमीटर। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो अर्धकुंवारी टेम्पल जरूर जाए माता रानी के दर्शन करने, अर्धकुंवारी टेम्पल घूमते हुए जाएँ, वो भी 6 किलोमीटर थोड़ा एक्स्ट्रा है। चलिए आपको दिखाते हैं, साथ में यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए बाहर का, अभी बारिश हो रही है काफ़ी तेज, देख रहे हैं कितने नीचे से हम लोग आए हैं, बारिश के बादल हैं नीचे, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, सारे बादल हैं नीचे। और ये है अर्धकुंवारी तरफ का रास्ता, लगी कर भक्त भंडारे का आयोजन, सबको निमंत्रण,
देने निमंत्रण भोज का वे सबको चल पड़े। रस्ते में भैरो संग कुछ साधु उन्हें मिले। बोले श्रीधर है बाबा कल मेरे घर आना। गाइस हम लोग का खाना खा चुका है और हम तीन लोग थे, 325 रूम लोग पेट भर के खाना खाया है। तो खाना कैसा लगा? भोजनालय का एक नंबर घर सही था। लहसुन प्याज के बिना लहसुन प्याज का भी बहुत बढ़िया। सबसे प्लस पॉइंट बता दूं, वैष्णो देवी जब भी आएंगे कटरा आने के अंदर ही यहाँ लहसुन प्याज का कोई चीज़ नहीं मिलती आपको, कोई भी एक चीज़ नहीं है, लहसुन प्याज अलाव ही नहीं है। खाना बहुत ठीक था, अच्छा था, टेस्ट था। तो अभी हम अर्धकुंवारी मंदिर के, कितनी सारी भीड़ है। सबसे पहले हमें टोकन लेना पड़ेगा यहाँ पे, चलिए टोकन के लिए चलते हैं। दोनों के संग उनके कई शिष्य भी आए। भोजन मिलेगा आज सभी जन थे प्रसन्न चित, किंतु बिना कन्या के हुए श्रीधर चिंतित। इतने में लिए हाथ कमंडल माँ पधारी, वो दिव्य कन्या लग रही थी सबको ही प्यारी। देने लगी कमंडल से सबको वो भोजन, ये देख के श्रीधर का प्रसन्न हो गया था मन। आई वो देने भोजन जब भैरों के पास, वो कहने लगा चाहिए मदिरा व मुझे। ये देखिए यहाँ से पार्ट किसका हुआ था, वैष्णो देवी यात्रा में। ये देखिए क्या हालत करी है इसकी, किसी की निगाह। कन्या को पकड़ने लगा वो विनती न माना। तीन सर की क्या हालत योग से, वो पवन रूप धार चली त्रिकुट और है। इस दिव्य कन्या को चला तब भैरो पकड़ने, वो मूढ़ मती उसका पीछा लगा करने। पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार के पास। कैसा लगा भाई, कैसा फील हो रहा है? अच्छा, काफी अच्छा। आप देख रहे हैं, आप देखिए जब माता रानी का दरबार उधर है, मैं आपको फ्रंट ये देखिए, ये जितने भी पलकी आती है वो यहीं तक रुकती है। शाम के अभी 7:30 बज रहे हैं, 7 से 8 घंटे हो गए मैं चलते हुए, बारिश भी काफी जबरदस्त हो रही है और जितने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो यहाँ यहीं तक रहते हैं। माँ के भवन का मिलता यहाँ पहला नजारा, सब भक्त लगाते हैं यहाँ आके जयकारा। माता का भैरोनाथ ने जब पीछा किया था, उस वक्त माँ के साथ साथ वीर लंगूर था। जिस जगह के प्यास ने लांगुर को सताया, माता ने पत्थरों में। पूछता इंक्वायरी यहाँ आके आप कोई भी पूछता कर सकते हैं, और डोनेशन काउंटर भी है कुछ आप दान करना चाहते हैं। अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट नहाने के लिए, उसके बाद लॉकर में सामान जमा करेंगे, उसके बाद लाइन में लगेंगे, फिर माता रानी के दर्शन करेंगे और हमारा सारा सामान जमा हो जाएगा। क्या हुआ? ये माता वैष्णो देवी जी के यहाँ पे काम भी चल रहा है अभी। तो
भी हमारा सारा सामान लॉकर में रख दिया जाएगा। आगे की वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, अलाउ नहीं है शूट करने के लिए। ये लाइन है लॉकर की। तो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। जमाओ ना सब मिल के जय माता की कहो जी। माता की धुन में खो के जो चलता चला गया बिन मांगे माँ के द्वार।